मेरे अच्छे साथियों, आप लोग ये जानते ही होंगे कि माता पिता का स्ट्रगल, जो स्ट्रगलिंग स्टेज है, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यदि बच्चे हरा हरा ही चढ़ते हैं तो उन्हें सूखा मालूम क्या होगा कि सूखा कैसे होता है। और इसीलिए जो बच्चे माता पिता के स्ट्रगल को देखते हैं, आसपास स्ट्रगल को देखते हैं और स्वयं स्ट्रगल का अनुभव करते हैं, देखिए आपने सब चीज़ें उसको बच्चे को प्रोवाइड कर दी और उसका प्रभाव यही होगा कि बच्चा होशियार नहीं होगा, बच्चा जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो बच्चे को स्ट्रगलिंग बताइए। आप अगर देखेंगे, मैं आपको दो भाई का उदाहरण दे सकती हूँ। अंबानी दो भाई हैं, जो बड़ा भाई है वो स्ट्रगलिंग फेज़ में हुआ है और छोटा भाई वो एक करोड़पति बाप का बेटा है। तो इसलिए जो है दोनों के व्यवहार में, दोनों के कार्य प्रणाली में बहुत ही अंतर आ गया है। एक जना प्रॉपर्टी बेच रहा है, घाटा खा रहा है, और दूसरा जना अपना स्टेटस बढ़ा रहा है। तो इसी को कहेंगे कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने वाले की हार नहीं होती, स्ट्रगल करने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं, जीतते हैं। और इसीलिए आप भी अपने बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाइए। देखिए बिना बात आप छोटी छोटी चीज़ें पे थोड़ा सा नियंत्रण करिए, जैसे पेंसिल देना है, रबर देना है, आप इन पे थोड़ा सा नियंत्रण करिए। ज़रूरत हो तो ही दीजिए, अनावश्यक रूप से आप दे देंगे, इससे उसका प्रभाव जो है उनको लगेगा हमारे तो खूब है, हमारी मम्मी तो और दे देगी। वो बेकार करना सीख जाएंगे, वो पेंसिल का शीशा खाना सीख जाएंगे और जाने क्या क्या करना सीख जाएंगे। तो इसलिए उनको थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, परंतु साथ ही साथ उनको समझदारी भी विकसित करिए कि जो है क्यों क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों हम जो है मतलब मैं सक्षम होते हुए भी बच्चे को कोई भी खाने की चीज़ें ज़्यादा नहीं देती थी। इसके पीछे कारण है कि हम बच्चों को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, होशियार बनाना चाहते हैं, और जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती थी शैक्षिक चीज़ों में तो उसे मैं पहले से पहले ला करके देती थी, उसको जो है वस्त्रों से या अनावश्यक खाने से हमेशा बचाती थी। वही चीज़ है कि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चे को जिम्मेदारी महसूस हो, उसे स्ट्रगलिंग, माँ बाप का स्ट्रगल भी तो मालूम हो ना कि माता पिता क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, दादा दादी ने क्या स्ट्रगल किया। परिवार, आजकल तो बच्चे परिवार से ही कट जाते हैं, मतलब परिवार को जानते ही नहीं हैं, परिवारजनों को मानते ही नहीं हैं और उनके बारे में बात ही नहीं करते हैं, चर्चा ही नहीं करते हैं, न चर्चा सुनते हैं। तो भला बताइए कि कैसे क्या होगा। हमारे जो संस्कार हैं वो आगे बढ़ने से ही रुक जा रहे हैं। ये TV और अनेक मीडिया की चीज़ें आ रही है, इसका प्रभाव भी, दुष्प्रभाव भी हमें पीढ़ी पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें कहानियाँ और अन्य गतिविधियों के माध्यम से हमें परिवार को जोड़ना है। स्कूल में इसके लिए बहुत बढ़िया साधन हो सकता है, वो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट दें। स्कूल में अगर प्रोजेक्ट मिलेगा कि आप अपने दादाजी का ये करके लाइए, अपनी दादी की ये बात पढ़ाई करके के बारे में जानकारी लाइए, तो कुछ न कुछ बच्चा सीखेगा।